हमारे खेतों में तो वे सांड छोड़ रखे हैं, और यहाँ सरकारों में ऐसे ऐसे सांड बैठा रखे हैं जो महिलाओं की बेटियों की इज्जत नहीं करते। इस तरह की कार्रवाई विपक्ष का कोई नेता कर देता तो अब तक जो है वो जेल के अंदर होता। अरे वो नार्को टेस्ट करा लेना अपना, वीडियो टेप हुआ करता है, मेरी आपकी बेटी है, क्या वीडियो टेप लेकर फिरेगी वो? क्या पता उन्होंने कहाँ कहाँ मांग उठाई होगी। आज तो वो दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ आके और जंतर मंतर पे बैठ के मांग उठा रहे हैं। जब यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं तो क्या पहले उनकी सुनी गई होगी? आग उठा के देख लेगा ना, तो चलो इन्हें लेट बताया उसकी आग निकाल लेंगे, ऐसी ऐसी कौम हमारी नहीं है। खापों ने जब जब देश को खून की जरूरत पड़ी है खून दिया है, बलिदान दिए हैं, और खाप पंचायत इसका निर्णय निकाल के जाएंगे। जो भी निर्णय आज खाप के चौधरी लोग बैठे हैं जो भी निर्णय लेंगे। धरने में उस तानाशाह सरकार ने जिसने ऐसे ऐसे खुले सांड छोड़ रखे हैं, हमारे खेतों में तो वे सांड छोड़ रखे हैं, और यहाँ सरकारों में ऐसे ऐसे सांड बैठा रखे हैं जो महिलाओं की बेटियों की इज्जत नहीं करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये, दीवारें पुतवा रखी हैं। उत्तर प्रदेश में आप चले जाओ बसों पर लिखा पड़ा है, लेकिन जहाँ देश के लिए मेडल लाने वाली जो देश की प्रथम पंक्ति में खड़े होने वाली बेटियाँ हैं, जब उनको भी न्याय नहीं मिल सकता तो एक दबे कुचले गरीब परिवार की बेटी को क्या न्याय मिलेगा? लेकिन FIR तो हो गई है ना। FIR होने से क्या बात है, यूपी में तो इतनी देर में बुलडोजर चल जा, कोई कार्यवाही नहीं। 82, 83, 81 जितनी कार्यवाही होती कुछ नहीं होता, बुलडोजर जाके खड़ा हो जाता है, कुछ ठाली बुलडोजर खड़े ऐसे ही, अरे बाबा जी का बुलडोजर आ गया मकान ढा देता है। तो यहाँ गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन बातों से कुछ नहीं होगा। किसान आंदोलन जब हमने 13 महीने चलाया, इन्होंने हमें झूठे वादे करके उठाया था, MSP के लिए कहा था, कानून को रद्द करने के लिए कहा था, कमेटी बनाने के लिए कहा था, किसानों का 3 महीने में समाधान करने के लिए कहा था, आज तक कोई समाधान नहीं। ये सिर्फ आंदोलन को ख़त्म करना जानते हैं। कुछ दिनों में मुझे तो लग रहा है जल्द ही एक माफ़ी वीर हैं, हमें तो आंदोलन जी भी कहते हैं, वो माफ़ी वीर आएंगे और कहेंगे कि मैं मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई और मैं आपको नहीं मना पाया, तो आप यहाँ से उठ जाइए। लेकिन जब तक ब्रजभूषण जैसे लोग अंदर नहीं जाएंगे, इन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये आंदोलन नहीं होगा। आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? दिल्ली पुलिस और ये जितने मंत्रालय हैं, मंत्री हैं और जितने अधिकारी हैं, सब उन्होंने कठपुतली बना के रख दी हैं, इसलिए देश आज़ाद नहीं कराया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने बलिदान दिए थे। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है ना? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या दिक्कत है? हाथ कहाँ बंधे हुए हैं कि ऐसे दरिंदे की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जो लोग देश के लिए मेडल लाए हैं, प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं, सबसे आगे पंक्ति में खड़े हैं और वो आरोप लगा रहे हैं, कितना गंभीर विषय होगा, इसकी भी जांच करनी चाहिए थी। तुरंत तत्काल रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये आंदोलन जो है, हमारी जो बेटियां और बहनें यहां बैठी हैं उनके लिए आंदोलन है, और ये तानाशाह सरकार है, इसी को लेकर हम जो है चौधरी चरण सिंह की जो कर्म भूमि है छपरौली, वहां से आए हुए हैं, और हमारे जो विधायक जी हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि ब्रजभूषण जो है गिरफ्तार हों, और गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती कि ये जो है तानाशाह सरकार है और तानाशाही में जो है इनको घमंड है। अब जो है इन का विरोध कर रहे हैं, ब्रजभूषण का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं? देखिए ब्रजभूषण का तो है ही यही, क्योंकि उन्होंने बेटियों का के साथ जो अन्याय किया है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, और सरकार जो है ये तानाशाही है इस सरकार के अंदर, और दिल्ली पुलिस उनके इशारों पर नाचती है, इसलिए जो है हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई विपक्ष का कोई नेता कर देता तो अब तक जो है वो जेल के अंदर होता। लेकिन जो है इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं है, और ये आंदोलन अगर 13 महीने भी चले तो हम चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए जो है हम चाहते हैं कि इनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। क्या कहेंगे, लोकतंत्र में ये दौर भी चल रहा है इस समय? हमने लोकतंत्र में इस तरह के समय की कभी कल्पना नहीं की थी, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर कोई भी FIR है, किसी की भी है, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी FIR है उसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी FIR की जो सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आज तक उनकी किसी की भी जांच नहीं हुई, एक नहीं अनेक उदाहरण है। अकेला ये ब्रजभूषण ही नहीं है, हमारी बेटियों के साथ यही एक नहीं हुआ है, बहुत सारा प्रदेश में और देश में हो रहा है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए व्यक्तियों को यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी जाँच ना करके, बल्कि
कुछ तो आर्थिक रूप से जो अपराधी हैं उन लोगों को विदेश भागने का भी मौका दिया जाता है। आरोप भी तो लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फंडिंग हो रही है, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। नहीं नहीं, फंडिंग कहीं की फंडिंग है, हम तो किसान लोग हैं, हम तो चंदा करके एक काम करने वाले हैं। जिंदगी भर किसान ने चंदे के द्वारा ही, आपस में मेल जोल के द्वारा ही अपने आंदोलन अपनी बात कहने का काम की है। कोर्ट लगातार बोल रहा है कि अब जांच, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट कह रहा है जांच होने। ऐसी कौन सी एफआईआर है जिसके दर्ज होने के हफ्तों बाद भी उस व्यक्ति से आज तक कोई भी एक भी बयान उसका पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया? अगर वो अपने आप को इतना ही निर्दोष मानता है तो घोषणा करे कि हम नार्को टेस्ट कराएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो सर वो अरे वो नार्को टेस्ट करा ले ना अपना, वीडियो टेप हुआ करता है, मेरी आपकी बेटी है, क्या वीडियो टेप लेके फिरेगी वो? अरे सबूत का क्या है, लड़की है, अगर वो कह रही है उस लड़की के गोपनीय रख के बिना नाम के बयान लिया जाए। संविधान में अधिकार दिया गया है महिलाओं को कि अगर महिला आरोप लगा रही है तो उसे माना जाएगा। तो अब वो तो प्रथम पंक्ति में खड़ी हुई देश की महिलाएं हैं। 12 साल से अगर शोषण हो रहा था, लगातार आरोप लगाए जा रहे कि हमारे साथ लगातार शोषण हो रहा था, वो कह रहे 12 साल से अगर शोषण हो रहा था तो फिर आप जब इतनी मजबूती से उठाने के बाद, इतने सारे पहलवान होने के बाद, मेडल लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर अकेले अगर पहले से उठा रहे होते तो क्या हो गया होता, आप समझ सकते हो? क्या पता उन्होंने कहाँ कहाँ मांग उठाई होगी। आज तो वो दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ आके और जंतर मंतर पे बैठ के मांग उठा रहे हैं, जब यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं तो क्या पहले उनकी सुनी गई होगी? लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पहलवान के मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? नहीं भाई साहब, कौन दे रहा है मुद्दा वैसे बताओ कि पहलवान है जो देश की शान है, आज बैठी है पहलवान तो देश की शान है, लेकिन और लगातार जो राजनीति के तमाम यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं, नहीं न्याय के जो खिलाफ होंगे वो आएंगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे जमींदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे खिलाड़ी हो। और रिजर्वेशन खुद कह रहा है वो, भाई ये पहलवान एक क्षेत्र से है, एक जात की है, तो ये थोड़ी क्या राजनीति की बात कर रहे हो ना भाई? पहलवान भी ने मेरे क्षेत्र की है, हमारी खाप की बेटी है, इस परिवार ने 7 पीढ़ी ने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इनने भाजपा को वोट दिया, भाजपा से इसकी बहन ने एमएलए का चुनाव लड़ा, तो अब राजनीतिक मुद्दा कैसे हो गया भाई? जब ये खुद वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं भाई, ये अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जल्दी हुई है इसलिए खिलाफ हो गए, नहीं भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और किसी का मुद्दा ही नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं इसमें। दीपेंद्र हुड्डा भाई, अब विरोधी पार्टी इनकी मदद नहीं करेगी संघर्ष में तो कौन करेगा भाई? भाई अब आज भारतीय जनता पार्टी शासन में है और उसके जो बाहर बैठे हैं लोग वो संघर्ष में साथ नहीं देंगे तो कैसे कामयाबी मिलेगी और कैसे अन्याय का पर्दाफाश होगा? लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक ही कुनवा, एक ही परिवार, एक ही परिवार है। सुनो मेरी बात, वो भी बताता हूँ आपको, एक बात बताओ भाई, आज देश के सर्वोच्च पहलवान यहाँ बैठे हैं, विनेश यहाँ है, बजरंग पुनिया यहाँ है, सत्यव्रत कादयान यहाँ है, गीता यहाँ है, संगीता यहाँ है, कौन पहलवान बाकी रह गया जो अभी नहीं आया? भाई फोगाट पहलवान, फोगाट उस परिवार में दम है कुश्ती लड़ने का, वो लड़कियाँ विश्व चैंपियन वो हैं, हिंदुस्तान की चैंपियन वो रैली, विश्व चैंपियन बजरंग पुनिया, विश्व चैंपियन सत्यव्रत, विश्व चैंपियन गीता, उसका हस्बैंड सरोवा, वो सारे ही तो यहाँ हैं, अब बाकी कौन रह गया? एक बात और बताऊँ आपको, कह देते हैं एक जाति से है, जब 200 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान की, 150 करोड़ की सुरक्षा हम करते हैं, हमारे भाई करते हैं, तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते? हमारी बेटियों की सुरक्षा करना अपना अधिकार नहीं है? सुरक्षा के लिए है, इंसाफ दिलाने के लिए। वो सुरक्षा भी करेंगे और इंसाफ भी, दोनों काम। अब चलो बेटियों ने लेट बताया वो इन गलती है, लेकिन अब सुरक्षा भी करेंगे, इंसाफ भी, और ब्रजमोहन को आग उठा के देख लेगा ना, तो चलो इन्हें लेट बताया उसकी आग निकाल लेंगे, ऐसी कौम हमारी नहीं है। खाप अब क्या करने वाली है? खाप ने यहाँ समर्थन है बेटियों के साथ, यहाँ बैठी है खाप, और जो तन मन धन से खाप बेटियों के साथ है। कितने दिनों तक चलेगा ये सारा मामला भाई? ये कितने, ये अनिश्चितकालीन, जब तक इस मोदी का पाप का घड़ा नहीं भर जाता जब तक ये चलने वाला है। ऐसे तो आप किसान आंदोलन भी कर रहे थे, तो किसान जीत 13 महीने चला, किसान जीत गए, माफी मांगनी पड़ी एक दिन नरेंद्र मोदी ने, 13 किसकी सरकार बनाना बिगाड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, हमने सिर्फ हमारी मांगे मनवानी है, न्याय लेना है, सरकार बनाना देश का काम है, वो लोकतंत्र का एक अलग मामला है, हम सरकार चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, यहाँ न्याय के लिए बैठे, सरकार किसकी बनानी है वो देश का काम है। मैं तो कहूंगा इसी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके बस के ना हो पुलिस प्रशासन के, तो हमें भेज दो,
हम करेंगे गिरफ्तारी। आज तक लोकतंत्र में ऐसा हुआ कभी किसी के खिलाफ अगर FIR हो गई है गाँव में, तुम अभी किसी के यहाँ चले जाओ, अभी किसी के पुलिस किसी के खिलाफ कोई FIR कर दे, दो मिनट नहीं लगती, पुलिस दरोगा SO SP तमाम लोग घर में पहुंच जाए। गिरफ्तारी पटका हुआ है, गिरफ्तारी और पद से इस्तीफा, दो सूत्रीय बात है बिल्कुल कि गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी जब तक ये घर नहीं जाएंगे। आज खाप पंचायत आई हैं, आप खाप पंचायतों का इतिहास पढ़ो, खापों ने जब जब देश को खून की ज़रूरत पड़ी है खून दिया है, बलिदान दिए हैं, और खाप पंचायत इसका निर्णय निकाल के जाएंगे। जो भी निर्णय आज खाप के चौधरी लोग बैठे हैं जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ देश खड़ा है, और अगली रणनीति आज ये बनाएंगे, जो भी आदेश होगा पूरी ताकत के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की जाएगी।